मेरे साथ मिलकर पवित्र गायत्री का उच्चारण करें, अपने अंतःकरण और इस वातावरण को पवित्र करें। ओ सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ वेदाहवेतं पुरुषं महंतं आदित्यवर्णं तं सह परस्ता तमेव विदित्वाति मृत्युमेति न अन्य पन्था विद्यते यनाय न अन्य पन्था विद्यते यनाय। ॐ व्याख्यान वेदी के समक्ष आज की सभा में विराजित इस भारतवर्ष के बड़े उत्तम कोटि के संस्थान संस्कृति विश्वविद्यालय के संरक्षक आचार्य श्री दिनेश शास्त्री जी, जो बहुत उद्भट विद्वान है, आज इस सभा में वो हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। एक बार जोरदार कर्तव्य ध्वनि से आप आचार्य जी का स्वागत करिएगा। हमारे मध्य में उपस्थित नहीं है अभी, लेकिन जिन्होंने इस सुंदर से यज्ञ का ब्रह्मत्व ग्रहण किया और इस सुंदर से यज्ञ को संचालित किया, पतंजलि विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति के रूप में भी वो शोभायमान है, आदरणीय डॉक्टर महावीर जी। इस सभागार में आदरणीय रामनिवास जी के भजन आप सुन रहे थे, किसी कारणवश उन्होंने जाना पड़ा, लेकिन बहुत सुंदर और बहुत अच्छे भजनोपदेशक आर्य समाज के हैं। 40 वर्षों से निरंतर आर्य समाज में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस कार्यक्रम को बड़ी सुंदरता के साथ में सहयोग के रूप में आपके बीच में उपस्थित हैं एक ऐसे युवा चेहरा जो आपके बच्चों को संस्कारित करने का काम कर रहे हैं, आदरणीय हमारे भाई आचार्य योगेंद्र मेधावी जी, उत्तराखंड आर्य प्रतिनिधि सभा के यशस्वी मंत्री, जो लगातार समाज में विचरण करते रहते हैं यत्र तत्र, कई सारे आर्य समाज के कार्यक्रमों में उनसे मिलना होता है, आदरणीय चंद्र प्रकाश आर्य जी, और एक व्यक्ति जिनको मैं चलती फिरती आर्य समाज कह दूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। वो एक चलती फिरती आर्य समाज है, क्योंकि मैं जहाँ भी जाता हूँ उत्तराखंड में, वहाँ वो सदा उपस्थित मिलते हैं। आपके ही जिला हरिद्वार के आर्य प्रतिनिधि सभा हरिद्वार के प्रधान श्याम सिंह आर्य जी, जोरदार कर्तव्य ध्वनि इनके लिए होनी चाहिए। और इस सभा में बड़े उद्भट किस्म के विद्वान व्यक्ति सब सम्मिलित हैं, उन्हीं में जिन्होंने अपना जीवन इस समाज के निर्माण के लिए, समाज को सही दिशा देने के लिए और समाज के भले के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने को आतुर रहते हैं, आदरणीय हमारे आचार्य विजयपाल जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सारे नौजवानों को तैयार कर रहे हैं आप। ईश्वर आपको शक्ति दे और प्रेरणा दे ताकि आप इसी तरीके से समाज में आगे बढ़ते रहें। और एक सुंदर से गुरुकुल का भी संचालन करने जा रहे हैं हमारे बीच में मध्य में उपस्थित आचार्य सुनील शास्त्री जी, और जिनके सौजन्य से मैं तो कहता हूँ कि मुझे पुत्रवत स्नेह मिलता है। और कैसा पुत्रवत स्नेह की जितनी बार भी चर्चाएं होती हैं तो बहुत सुंदर तरीके से आशीर्वाद भी मिलता है और सीखने को भी मिलता है, व्यक्ति हर तरीके से सीखता रहता है। ऐसे मुझे पुत्रवत स्नेह करने वाले और इस इंद्रलोक सिरकुल आर्य समाज के प्रधान आदरणीय चौधरी देवपाल सिंह राठी जी, एक बार जोरदार करतल ध्वनि पुरुषार्थी व्यक्ति के लिए। कितना पुरुषार्थ, गली गली गाँव गाँव में जाकर के, और प्रत्येक रविवार को आप सब देखते होंगे यज्ञ भी चलता है यहाँ पर, क्षेत्र की जितनी भी माताएं बहनें हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, सबको यहाँ बुला करके संस्कारवान बनने की चर्चा करते हैं, वेद की बातें करते हैं।
उन्हीं का साथ दे रहे हैं जोगिंद्र पाल आर्य जी, बहुत कर्मठ युवा मंत्री हैं, और हमारे कोषाध्यक्ष तेवतिया जी, और BHEL आर्य समाज के प्रधान हमारे आदरणीय महेंद्र आहूजा जी। जोरदार करतल ध्वनि इस व्यक्ति के लिए भी। बहुत ईश्वर आपको ऐसी शक्ति देता रहे, ऐसी आप आगे की तरफ बढ़ते रहें। आदरणीय हमारे मास्टर जी संरक्षक महोदय भी हमारे बीच में उपस्थित है, नाम मेरी स्मृति में नहीं, समक्ष बैठे सभी भद्र पुरुषों पूजा सत्कार के योग्य पूजनीय वंदनीय मातृशक्ति प्यारे बच्चों, बहुत सुंदर चर्चा आपके बीच में हो रही है। और मैं तो डॉक्टर साहब को, दिनेश जी को जब मैंने देखा अभी अभी आए जस्ट बिल्कुल, तो मेरे मन में विचार आया कि डॉक्टर साहब का आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा और बहुत कुछ हमें सीखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले कुछ शब्द कहने की निवेदन मुझे हुआ है, तो मैं कुछ चर्चाएं आपके बीच में रख रहा हूं। बंधुओं, कई सारी बातें आपके बीच में हुई है और आपने सुना होगा अभी रामनिवास आर्य जी ने कई सारे विषय लेकर के वो चले और उनका समाहार करते हुए वो अंत में ऋषिवर दयानंद का गुणगान करते हुए अपनी वाणी को विरमित कर गए। एक चीज आप सदैव अपने जीवन में गांठ लगा लेना कि संसार के अंदर जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीव जगत है, चेतन जगत है, उसका कोई भी प्राणी दुनिया के लोगों दुख नहीं चाहता। सब क्या चाहते हैं बोलो? सुख चाहते हैं। जरा मेरे साथ जुड़ेंगे आप और उत्तर देंगे। संसार का प्रत्येक प्राणी क्या चाहता है बोलो? सुख चाहता है। लेकिन जब प्राणी सुख चाहता है, संसार का प्रत्येक, आपने देखा होगा एक चींटी है, चींटी को भी यदि आप हाथ लगाओगे तो वो दौड़ती है, बचना चाहती है।